विविधता एवं भेदभाव। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से लेके 1956, ये उनकी कारकिर्द है। अभी इनको भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। अभी उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो बिल्कुल ही अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अभी आगे देखते हैं, कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल भी नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, या तो फिर स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ मुस्लिम लड़कियों का चित्र देख रहे हैं, जो कितनी दिलचस्पी से पढ़ाई करने में जुटी हुई है। हम लोग अभी उनका चित्र देख रहे हैं। जहां पर भी गरीबों तथा शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे तो केरल में स्कूल प्रायः घर के पास ही है और सरकारी बस की उसमें सुविधा भी बहुत ही अच्छी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। और इसमें उनमें 60% से भी ज्यादा महिला शिक्षक है। और इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। इनमें कौन शामिल है? मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। अभी दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो या जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हो। तो जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। अभी हम लोग यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं बच्चों। भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा है कि विविधता की इज्जत करना और उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और उन्होंने यह भी महसूस किया है कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी भाषा बोलने और अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। अभी उन्होंने ये भी कहा है कि कोई एक भाषा या धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ये भी जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, और इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, और इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा भी जाता है कि हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। क्या मौजूद है? असमानता। और समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य एक वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, और इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत 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 जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग हमारे भारत का संविधान का एक चित्र देख रहे हैं, उद्देशिका इसमें सब कुछ लिखी हुए है। यह संविधान का पहला पृष्ठ है और जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत, संविधान के लेखकों ने क्या कहा है इसके बारे में आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।